हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इनायत फैमिली ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और कितने दिन से हमारी कोई वीडियो वगैरह नहीं आई है, तो इस वजह से क्योंकि सबको फीवर वगैरह हुए हुए थे। ये टाइम भी मतलब ऐसे चल रहा है, गर्मी बहुत है, भयंकर वाली गर्मी हुई भी है, तो इसीलिए फीवर हो गया था सबको। और फिर किसी की तबीयत ख़राब हो, किसी की भी, बच्चे की, बड़े की, तो मन नहीं होता कुछ भी शूट करने का, तो इसीलिए हमारी वीडियो नहीं आई है। कई दिन हो गए, शायद हफ्ता भर सा ही हो गया आई नहीं है वीडियो, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सब ठीक ठाक से हैं तो चलो आज कुछ बना लेते हैं। और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर ये है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ खास भी नहीं बन पाता है, बस ऐसे ही रहता, तो इसीलिए। और आज सोचा चलो क्या बनाएं, तो वही है कि सबकी फेवरेट चीज़ बनेगी आज, आज बनेगी चिकन बिरयानी, तो दिखाएंगे आप सब लोगों को। वैसे तो आप सबके साथ शेयर कर चुके हैं हम पहले से, तो मैंने सोचा चलो आज फिर से शेयर कर देते हैं आप सबके साथ। और आपने मतलब जैसे हमारे वीडियोस देखते हो तो इसे भी ऐसे ही देखना। और गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखें, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा पिए, पानी वगैरह बहुत पिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी की एकदम कमी सी हो जाती है तो फिर ये है कि परेशानी सी हो जाती है, तो इसीलिए नारियल पानी, फ्रूटी, ये सब ज़रूर पिए, अपनी मतलब डाइट में ज़रूर शामिल करें, तो इसीलिए। तो चलो दिखाते हैं आपको, आप सबको जो भी है आगे। और शाम का टाइम है, वैसे तो छः बजे का टाइम है, 6 बज चुके हैं। और ये है कि गर्मी का टाइम है तो सवेरा से बना लेते हैं खाना, और वैसे भी आजकल चूल्हे पर खाना बन रहा है देसी स्टाइल में, तो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। और कल बनी थी हमारे कढ़ी चावल, तो फिर मैं सोच रही थी शूट करूँगी और बस हुआ नहीं, फिर सोचा बहुत क्या शूट करें, करूँगी लेकिन फिर हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, आज से शुरुआत करते हैं और इंशाल्लाह रोज़ वीडियो आएगी अब जो भी है, तो दिखाएंगे आप सब लोगों को, शेयर करेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। मसाला है ये, उसमें डलने के लिए लहसुन है और ये गरम मसाला है, सभी सारा कुछ जो होता है, जायफल, जावित्री और लकड़ी सी जो होती है, ये अदरक है, ये सौंफ, धनिया है मोटा, और ये सिलबट्टे पे ही पिसेगा, जो कि हमारे ज़्यादातर सिलबट्टे पे ही मसाला पिसता है क्योंकि, और कभी इमरजेंसी हो, जल्दी हो, तो उसकी है कि मतलब जब पीस लेते हैं मिक्सी में, नहीं तो सिलबट्टे पे ही पीसते हैं, और जायका अच्छा आता है। कहते हैं ना कि सिलबट्टे का जायका अलग ही होता है, तो सच में अलग होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करना, सिलबट्टे पर अगर पॉसिबल हो या आपके यहाँ हो तो ज़रूर ट्राई करना, और उसका टेस्ट जो होता है वो अलग ही होता है, फिर बताना कि हाँ सही कहा था हमने या नहीं। तो चलो ये पिस जाएगा और फिर दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। देखो चूल्हे में आग जल चुकी है और ये रखा गया इस पर कुकर। कहते हैं ना कि गैस वगैरह भी नहीं बनती है, पेट में नुकसान नहीं देती हैं रोटियाँ, तो इंशाल्लाह कल देखो सुबह भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ रोटियां वगैरह। देखो तुम्हारे फोन देख लाई फोन, और ये देखो इनायत में, इनायत खुद देखेगी फोन, तो कोई बात नहीं, कोई और देखेगा। देखो हाथ तोड़ देंगे, देखो देखो कई हाथ तोड़ देंगे। और ये सब फोन दिखाने से मना कर दिया होगा तो इसीलिए। और ये देखो वो मैडम खुद भी देख रही हैं। मामी से बता दो, हाँ हाथ तोड़ देंगी मामी, रख दे नहीं, क्यों गए ना, तो मुझे बता दो। इनो इनायत डांस कैसे करते हो आप लोग, करके दिखा दो। ये सब खुद दिखाते रहो तो ठीक है। ये देखो ऑयल इसमें डल चुका है और आग थोड़ी है, थोड़ी धीमी जल रही है भाभी, अभी जली नहीं, लगी नहीं है ना, तो इसीलिए ऑयल डल गया इसमें। और पहले होंगी प्याज फ्राई। अम्मी अपनी छोटी वाली भाई को ले लो, प्याज कह लो, अनियन कह दो, लेकिन ये देखो हम एक वीडियो के लिए थोड़ा इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकते, जो मुंह से ही निकल जाए तो बात दूसरी है, वरना हम अपने घर में प्याज ही कहते हैं, तो इसलिए हम प्याज ही बोलेंगे, क्योंकि हमें ये है कि रियल दिखाना है, ये नहीं है कोई कि हाँ बन के बोलें या फिर हम इस तरह से बोलते हैं, तो हम जैसे अपने घर में बोलते हैं जिस तरह से उसी तरह से हम आपको दिखाएंगे। तो ये डली इसमें प्याज डाल दी हो गया है ऑयल, और ये फ्राई होंगी गोल्डन होने तक, इसमें जीरा, गरम मसाला वगैरह सब कुछ
ये गैस में नमक और ये वो ये गरम मसाला सारे मसाले मतलब पूरा बिरयानी का मसाला पिसा हुआ जो है वो गैस में। और इसे अच्छी तरह से भूनने तक पकाएंगे इसे। ये देखो आग कितनी बेहतरीन जली हुई है और इधर चावल भीगे हुए रखे हैं तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हो गया है ना चावल भीगे हुए। और यह है कि भिगो कर रखते हैं तो एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं चावल बनने के बाद भी और अच्छे लगते हैं, और वरना तो आप हाथ के हाथ बनाते हो तो फिर वो केड़े केड़े अच्छे नहीं लगते। तो ये देखो ये भुनने पे एकदम आ रहा खिंच रहा है ये अच्छे से और ऑयल इसका ऊपर आ गया है और अभी रुक गया है ना थोड़ा ये लग रहा नहीं चाहिए लग रहा है एक आध सेकंड रुक जाओ। हरी मिर्ची डालेंगी इसमें जब तक भुज जाते लो ये अच्छा सा कलर और ये गई हरी मिर्च। आप लंबी लंबी भी डाल सकते हैं ये अपने मर्जी पे है आप किसी भी तरह से डाल लें लंबी काट के डाल दें या छोटी छोटी सी और बहुत से ऐसे होते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी डालते हैं ना। हाँ ये देखो ये एकदम लंबी कटी है तो बस इनायत नहीं डाल दो है ना हो गया। और बस इसमें जाएंगे आप चावल तो बस इसमें जाएगा पानी हिसाब से अपने जैसे कि चावल हैं बिरयानी तैयार है एकदम प्लेटों में आकर के और अच्छी बनी है बच्चे खा रहे हैं। और ये देखो इनायत अपना लेग पीस लेके हाथ में कैसी बनी है अच्छी बनी है अच्छा। ये देखो अच्छी बनी है और आप भी आ जाइए खा लीजिए टेस्टी टेस्टी सी बिरयानी। और कह रहे हैं कि मतलब मिर्ची बहुत तो कम डली हैं लेकिन स्पाइसी सी बनी है फिर भी। तो चलो हम खाना एंजॉय करते हैं डिनर और अब ठीक है चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। रात हो चुकी है 10:30 का टाइम है खाना वाना खा करके हम बैठ गए हैं और बल्कि सोई गए हैं बच्चे वगैरह सब सो गए हैं नया तो अभी जाग रही है क्योंकि आज ये थोड़ा लेट सोई थी शाम के टाइम तो इसीलिए लेट उठी है थोड़ा ज़्यादा नहीं सोई है तो इसीलिए इसे नींद भी नहीं आ रही अभी। और अभी मैडम खेलने के चक्कर में लगी हुई हैं तो खाना वाना खा लिया। आज आपने क्या खाया नायत क्या खाया कढ़ी चावल तो क्या कढ़ी चावल तो नहीं खाई भाई सही बताओ क्या खाया आपने। और इसे कढ़ी चावल इसे बहुत बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा है। अगर इससे कुछ खाने में पूछो क्या खाओगे कढ़ी चावल तो इसे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इसके कढ़ी चावल। और कल बने थे कढ़ी चावल हमारे सुबह में बनी थी कढ़ी के साथ रोटी बनी थी और शाम में भाभी ने चावल बना लिए थे क्योंकि नायत कह रही थी इसलिए। और तबीयत तो सभी की ठीक है थी नहीं लेकिन चावल फिर भी बना लिए कि अच्छे लगते हैं कढ़ी के साथ
और स्पेशली इनायत के लिए बनाने पड़े क्योंकि इसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। अब वो उधर देखिए, ये देखिए तोबा सो चुकी है, और एक ये है इनायत मैडम, इन्हें नींद नहीं आ रही है अभी। और क्या बना रहे हो आप, ये क्या है, सो जाओ ना भैया तुम, क्यों सो जाओ, निन्नी कर लो, चलो लेट जाओ, गुड नाइट बोल दो सबको। और खाना वगैरह हमने खा लिया है और बस सोने की तैयारी में चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम सवेरा से सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, 6-7 बजे लास्ट होता है, उठ जाते हैं हम यहाँ पे। और रात को भी ये है कि मतलब लेट जाते हैं, 9, 9:30 तक हम लेट जाते हैं बिस्तर पे, और 11 बजे लास्ट होता है। अगर फ़ोन वोन भी देखना है तो 11 बजे तो नींद आई जाती है, क्योंकि फिर ये है ना, मुझे दिन में नींद नहीं आती है, बहुत ही कम होता है ऐसा कि हाँ मैं सो जाऊँ, वरना मुझे नींद नहीं आती है। एक तो ये है ना कि इनायत सोती है नहीं, और इनायत जब सोती है जो हमें नहीं आती, और कभी कभार अगर नींद आ जाए तो इनायत सोने नहीं देती। और वो इनायत की छोटी सी टॉर्च रखी है जो कि ऑटोमेटिक जल रही है, बुझ रही है, आपको दिख रहा होगा मेरे चश्मे पर दिख रहा रेड कलर, तो ये मैं उसी को देख रही हूँ। तो आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, और कैसी लगी हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना